हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल यूट्यूबर चैनल। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो और आज की मतलब जो मैं कंट्री लेकर आया हूँ वो बहुत अमेजिंग कंट्री है। दोस्तों, जैसे कि पहले किंगडम ऑफ इकलीवा के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, तो बहुत से लोगों को जो है वो सिटीज़नशिप मिल चुका है। अब वो सर्टिफिकेट का वेट कर रहे हैं। कितनों ने मुझे एज अ पर्सनली जो है वो मैसेजेस भी किए हैं कि सर, हमसे ये वेरिफिकेशन पूछी जा रही है, हम क्या करें। ठीक है, तो मैंने उनको उस चीज़ का रिप्लाई भी दे दिया कि किस तरीके से आप लोगों को करना है। ठीक है, और कुछ लोग अपनी सर्टिफिकेट का वेट कर रहे हैं, जैसे कि मेरा एक फ्रेंड है, उसको भी जो है वो किंगडम ऑफ इकलीवा की सिटीज़नशिप मिली है, तो अब वो अपने सर्टिफिकेट का वेट कर रहा है और मज़ीद वेरिफिकेशन के लिए उसने वहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आज का कंट्री भी एक ऐसा ही कंट्री है जिसका नाम है लेबरलैंड। ठीक है, लेबरलैंड इस कंट्री का नाम है और ये एक माइक्रो नेशनल कंट्री है। ठीक है, तो चलिए फिर आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। मेरा नाम है राजिक और आप देख रहे हैं लीगल यूट्यूबर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूं कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी कंट्रीज़ के लिए ऐसी टिप्स एंड ट्रिक के यूरोप कैसे जाया जाए, क्या चीज़ आपको करनी चाहिए, तो वो मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं लेबरलैंड की। तो दोस्तों, लेबरलैंड एक माइक्रो नेशनल कंट्री है। ठीक है, जो 13 अप्रैल 2015 को बना था। ठीक है, उसका मतलब ऐलान किया गया था कि ये कंट्री यहाँ बनेगा। इस कंट्री का जो लीडर है, जो फाउंडर है, ठीक है, वो एक चेक रिपब्लिक की पार्टी का मेंबर है। ठीक है दोस्तों, ये कंट्री कोई इतना बड़ा स्क्वायर फीट के ऊपर नहीं है जैसे कि वो इकलीवा जो कंट्री के बारे में मैंने बताया था, यूरोप के अंदर जो है, ठीक है, किंगडम ऑफ इकलीवा। ठीक है, तो वो उसकी तरह इतना बड़ा कंट्री तो नहीं है, ये छोटा कंट्री है। ठीक है, लेकिन जो है यहाँ की भी सिटीज़नशिप बहुत अच्छी तरीके से लोगों को दी जा रही है, क्योंकि उनको ज़रूरत है और इसका नाम ही यही है। इस कंट्री का मतलब पूरा फुल फॉर्म ही ये रखा गया है कि ये आवाम के लिए, ये लोगों के लिए जो है वो मतलब यहाँ पे वो ये चीज़ करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे दुनिया भर के लोग आके यहाँ पे रह सके। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अभी तक तो कोई गवर्नमेंट ने फैसिलिटी नहीं दी है जैसे कि किंगडम ऑफ इकलीवा के अंदर दी थी कि एजुकेशन फ्री होगी। ठीक है, जॉब्स वगैरह प्रोवाइड की जाएगी, बिजनेस के बारे में उनको बताया जाएगा और बिजनेस के ऊपर हेल्प भी की जाएगी, वहाँ की गवर्नमेंट ने ये चीज़ बोली है। ठीक है, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट ने अब तक ऐसा कोई मतलब ये नहीं दिया है कि जो भी यहाँ की सिटीजनशिप लेता है उसको ये फ़ायदा होगा, ये फ़ायदा होगा, कुछ भी ऐसा नहीं दिया है। ठीक है दोस्तों, तो अब बात कर लेते हैं कि इसके ऊपर आप लोग अप्लाई किस तरीके से कर सकते हो। देखो दोस्तों, मुझसे कितने लोगों ने पूछा कि सर, हमने जो है वो मेल कर दिया है, हमने फॉर्म भी फिल कर दिया है, लेकिन अभी तक रिप्लाई नहीं आया। दोस्तों देखो, उसी वक्त आप लोगों को रिप्लाई नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर, इस काम के अंदर कम से कम 2 मंथ से लेके 4 मंथ तक जो है वो वेट करना पड़ता है। ठीक है, तो होता यह है कि आप लोग फॉर्म बहुत ध्यान से भरें। ठीक है, और इसके अंदर आप लोगों से अपनी सैलरी, मंथली इनकम वगैरह पूछी गई है। ठीक है, तो आप लोगों को वहाँ पर मंथली इनकम थोड़ी ज़्यादा डालनी होगी। ठीक है, क्योंकि वो USD डॉलर में पूछी गई है और हमारी सैलरी उस हिसाब से इतनी ज़्यादा नहीं बनती। अगर हम USD डॉलर के अंदर अपनी सैलरी को कन्वर्ट करें तो बहुत कम USD बनते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग थोड़ी सी अपनी सैलरी जो है वो ज़्यादा लिखिए। ठीक है, और अगर आप लोगों को सिटीजनशिप मिल भी जाती है और वो आपसे कोई सैलरी स्लिप वगैरह कोई भी चीज़ ऐसी मांगते हैं, तो यार सैलरी स्लिप वगैरह बनाना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, आप लोग बना सकते हो खुद भी। ठीक है, या आप लोग जहाँ जॉब करते हो वहाँ पे आप लोग जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मुझे इतने की सैलरी स्लिप दी जाए ताकि मैं आगे अप्लाई कर सकूँ, तो बहुत सारी जगहों पे मिल भी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा कि आप लोग अगर
ज़्यादा सैलरी लिख के जो है वो अप्लाई करते हो तो आप लोगों को ज़्यादा चांसेस हैं वीज़ा मिलने के, मतलब सिटीजनशिप मिलने के, सॉरी। ठीक है, तो फिर चलिए इसके ऊपर बात करते हैं कि इसकी वेबसाइट का ऑफिशियल लिंक मैं आपको दे दूंगा और इसका फॉर्म किस तरीके से आपने फिल करना है। देखो, सबसे पहले तो आ जाता है नाम, ठीक है, आप लोगों को नाम बताना होगा, ठीक है अपना। उसके बाद आप लोगों का लास्ट नेम, उसके बाद प्लेस ऑफ डेट, प्लेस ऑफ वो जो आप लोगों को बताना है कि आप लोग कहाँ से, मतलब कहाँ पैदा हुए, पाकिस्तान, कराची, इंडिया वगैरह, दिल्ली, जहाँ पे भी आप लोग पैदा हुए, ठीक है। उसके बाद आपने बतानी है डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद अपनी आइस का कलर, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को रजिस्टर करना है उसकी वेबसाइट पर, ठीक है, उसके बाद आप लोग सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी वेबसाइटों में क्या था कि डायरेक्ट फॉर्म फिल करना होता था, बट यहाँ पर पहले रजिस्टर करके आपका अकाउंट जब बन जाएगा 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको कन्फर्मेशन कॉल, कन्फर्मेशन मैसेज या ईमेल मौसूल हो जाएगा। फिर वहाँ से आप लोग का अकाउंट जब एक्टिवेट होगा तो वहाँ से आप लोग सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत आसान है और ऐसा नहीं है कि अकाउंट अप्रूव नहीं होता, बिल्कुल अप्रूव हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने आप लोग को चार पाँच चीज़ें बता दी, उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आपकी सैलरी कितनी है, आप कुछ डोनेशन देना चाहते हो कंट्री को, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा कॉमन सिटीजनशिप और एक और कोई नाम होता है, ठीक है, सिटीजनशिप का, तो आप लोग उन दोनों में से एक चीज़ सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो, कॉमन सिटीजनशिप में क्या होता है, कॉमन में ये होता है जहाँ पे हम लोग जैसे इंडिया में या पाकिस्तान में रहते हैं तो ये हमारे पास कॉमन सिटीजनशिप है कि कभी भी गवर्नमेंट को कोई डोनेशन की ज़रूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट हमें नहीं बोल सकती, ठीक है, वो हमारी मर्ज़ी पर है कि हम गवर्नमेंट को अगर डोनेशन देना चाहते हैं तो ठीक है, सही है। तो ऐसे ही उसमें भी यही है कि कॉमन सिटीजनशिप एक जो हमारे जैसे पाकिस्तान इंडिया के अंदर सिटीजनशिप है ऐसी है, और एक होती है कि कभी भी अगर ज़रूरत पड़ी गवर्नमेंट को तो वो आपसे डोनेशन ले सकता है, ठीक है। तो उसके ऊपर ज़्यादा चांसेस होते हैं वीज़ा मिलने के और सिटीजनशिप मिलने के, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि ऐसा ना करें, आगे जाके फंस सकते हैं। फिर वो जाहिर सी बात है आपसे अगर और ज़्यादा अमाउंट मांगेंगे तो पता नहीं आपके पास वो हो भी और ना भी हो, ठीक है। इसलिए कॉमन सिटीजनशिप पे ही कीजिए और अपनी सैलरी जो है वो ज़्यादा बताइए, उम्मीद है कि आपको जो है वो सिटीजनशिप मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। और फिर जो है वो रेगुलर सवाल होंगे उसके अंदर कि आप रीजन की रिस्पेक्ट करते हैं नहीं करते, मतलब जो अदर रीजन्स होते हैं, ठीक है, मज़हब्स की जो है वो रिस्पेक्ट करते हैं नहीं करते हैं, तो आपने बिल्कुल बताना है येस, और अगर नो करेंगे तो आपको ये बताना है कि आप क्यों रिस्पेक्ट नहीं करते। ऐसे ही बहुत सारे कॉमन सवाल होंगे जिसके आप लोगों को सही तरीके से जवाब देने हैं। ये आप लोगों के जवाब पर डिपेंड करता है कि आप लोगों को वीज़ा मिलेगा या नहीं, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये कंट्री फेक नहीं है, आप इसके बारे में जो है वो इंटरनेट पर रिसर्च कर सकते हो। लेबरलैंड इस कंट्री का नाम है, ठीक है, मैं लिंक भी जो है इसकी मेन वेबसाइट का वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को और लाइक भी ज़रूर करना वीडियो को। तो फिर इजाज़त दीजिएगा मुझे, टाटा, बाय बाय।